आज तक की हमारी दुनिया की सबसे बड़ा जीव कौन सी है? डायनासोर। ऑब्वियसली अगर यही सवाल हम समुंदर पे उठाए तब आप क्या बोलोगे, मतलब आज तक की समुंदर की सबसे बड़ा जीव क्या है? अब शायद कुछ लोगों के मन में मेगलोडन या फिर मोजोसोरस के नाम याद आ रहे होंगे, लेकिन टॉप 10 के अंदर इनका नाम तो 8 से 9 पर आते हैं, तो फिर इनका पहले कौन है? वेल, तो आज के वीडियो में हम समुंदर की सबसे बड़ा और सबसे गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हमारे धरती में जितना भी जानवर जिंदा है उसके अंदर आसमान का सबसे बड़ा जीव है एल्बाट्रॉस, जहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम है। अब आसमान से थोड़ा नीचे जमीन पर जहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे बड़ा जीव है अफ्रीकन हाथी, जो कि एल्बाट्रॉस से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब जमीन से पानी में जाओगे जहाँ पर हर एक मीटर पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, जो कि एक हाथी से 11 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप समुंदर की गहराई पर ज़्यादा प्रेशर में जाओगे, वैसे वैसे प्रेडेटर्स के आकार भी बढ़ता जाएगा। इनमें से सबसे पहले आते हैं इक्टोसोरस, जो कि लंबाई में 3 मीटर तक होते हैं और ये समुंदर की 1 से 2 मीटर की गहराई में रहते थे। अब इससे थोड़ा और गहराई में, मतलब पानी का 2 से 4 मीटर नीचे जाएंगे, तो हमें एंगलर फिश और मैंटा रे जैसा जीव की खोज मिलेंगे। एक एंगलर फिश 5.4 मीटर तक और एक मैंटा रे 5.7 मीटर तक होते हैं। फिर हम पानी का 60 मीटर नीचे यानी कि 52.4 फीट नीचे जाएंगे, तो हमें जायंट कार्बोनेमिस नाम का एक अजीब सा जीव मिलेगा, जो कि आकार में 5.4 मीटर तक होते हैं और ये इसका मिनिमम साइज था, जबकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें समुंदर के ये वाले हिस्सों पे एमोनाइट नाम का एक अजीब सा स्नेल मिलेगा, जिसका आकार 6.5 मीटर तक होते हैं यानी कि 20 फीट तक, जो कि एक आम इंसान से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है और वो भी एक साधारण सा स्नेल। और एक ख़ास बात, हमारे स्कूबा डाइवर्स भी पानी का 26 मीटर तक ही डाइविंग कर सकते हैं और इसका नीचे जाने के लिए इसे सबमरीन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपको एक और बात बताऊं, ये सब समुंदरी जीव आज से कई मिलियन साल पहले पाई जाती थी और अब इसका 99.99% तक जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अब सिर्फ इसका फॉसिले जिंदा बच चुके हैं। एंड नाउ टॉप 10 में। अब समुंदर के 26 मीटर नीचे यानी कि 50 फीट नीचे रास किया करती थी हमारे सबसे प्यारी मेगलोडन, जिसके एवरेज साइज था 16.5 मीटर तक और यह आज का ग्रेट व्हाइट शार्क से 50 गुना ज़्यादा बड़ा थे। नंबर 9, लायोप्लेरोडॉन। लायोप्लेरोडॉन दिखने में आधा मगरमच्छ और आधा मछली जैसा था और ये आकार में 60 फीट तक लंबे होते थे, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा था। और हमारे आज के समय पर मौजूद मगरमच्छ इनका ही वंशज है। नंबर 8, डोंक्लिटियोस। अब पिछले वाले सारे पेरेटस में से डोंक्लिटियोस सबसे खतरनाक दिखते हैं और ये पानी का 150 फीट नीचे रहते हैं, जहाँ पर सबमरीन के लाइट के अलावा कुछ भी देखना नामुमकिन है। और इसका आकार 23 मीटर तक होते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका सामने वाली विशाल सा दांत जो इस जीव को सबसे खतरनाक दिखाते हैं। नंबर 7, बेजलोसोरस। बेजलोसोरस का आकार भी 23 मीटर तक होते थे पर यह समुंदर की 183 फीट नीचे रास करते थे और यह दिखने में एक मगरमच्छ जैसा ही होता था। नंबर 6, पेलियोसाइडर। आप में से समुद्री ड्रैगन के बारे में कौन कौन सुना है? असल में हम जिसे समुद्री ड्रैगन कहते थे वो एक 30 मीटर लंबे पेलियोसाइडर था और पेलियोसाइडर डीप सी में खुलेआम शिकार करते थे। नंबर 5, मेगाचलन। मेगाचलन दिखने में हमारे आज के समय पर मौजूद कछुए जैसा होता था और ये जीव का मैक्सिमम लेंथ होता था 39 मीटर तक। और सबसे ताज्जुब की बात, कहते थे इस जीव का 6 पैर और 4 आंखें थे और उस समय पर समुंदर की घास और कोरल पर सिर्फ इनका ही रास्ता। नंबर 4, मोजोसोरस। जुरासिक मूवी ने हमने कई बार इस जीव को देखा है। इसका आकार 52 मीटर तक होता था और ये काफ़ी विशाल था, मानो एक 5वीं मंजिल जैसा बड़ा डायनासोर अर्जिनोसोरस को एक ही बार में चबाने वाले एक विशाल सजीव। और ये डीप सी का 350 फीट नीचे रहते थे। अब हम एंटर लेंगे टॉप 3 में। नंबर 3, लिटसेथेस। पिछले वाले सभी जीवों में से लिटसेथेस एक असली मछली था, जिसका आकार होता था 67 मीटर तक और ये अभी तक की दुनिया की पाए जाने वाली सबसे बड़ा मछली है और ये डीप सी में रहने वाली एकमात्र सबसे बड़ा मछली था। नंबर 2, टेसोथेस्टिस। हमने इतने सारे जीवों के बारे में बात किया लेकिन ऑक्टोपस के बारे में भूल गया, राइट? वेल, तो टेसोथेस्टिस ही था ऑक्टोपस की सबसे पहले आदिपुरुष। इसका एवरेज साइज होता था 68 मीटर तक और इसका डेमो हमने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो के साथ देखा है। एंड नंबर 1, मोडर। इसका मिनिमम साइज होता था 190 मीटर और ये जीव समुद्र की सबसे गहरी अंधेरा जगह मरियाना ट्रेंच में रहते थे। मोडर देखने में कुछ सैलामेंडर जैसा होता था और इसका आंखें बहुत ही छोटा होता था।
भले ही ये सब जीव आज के समय पर जिंदा नहीं बचे, फिर भी इनका वंशज आज भी धरती पर मौजूद है। हो सकती है इनका साइज छोटा हो गया या फिर इनका और कई बदलाव आए हैं। प्रकृति में सभी जीव जिंदा रहने के लिए अपने परिवर्तन या फिर विवर्तन करते हैं। इनका भी कुछ वैसे ही इवोल्यूशन हुआ है और फिर से एक बार ये सब जीव आज से कई मिलियन साल पहले दुनिया में राज करते थे और फिर धीरे धीरे समय और प्रकृति के साथ ये सभी जीव विलुप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपके सवाल हमें कमेंट करो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके सवाल के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।